अंकल थोड़ी इधर आ जाओ। और अंकल बताओ फिर गांव में क्या क्या मतलब बदलाव आया, क्या क्या सब बदलाव आप घर चल के बताएंगे क्या बदलाव आया है। आप कहाँ हम कहाँ, आप फर्स्ट टाइम आप यहाँ आ रहे हो। अच्छा एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल, दिस इज विशाल मसी एंड आज मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने वाला, आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च दिखाने वाला हूँ जो कि लोकेटेड है एक जंगल में, एक आइसोलेटेड गांव में जो है नैनीताल उत्तराखंड में। तो यहाँ जाने के लिए सबसे पहले तो आपको हल्द्वानी शहर जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आप देख सक रहे हैं बोर्ड पे 18 किलोमीटर यहाँ से शो कर रहा है। चलिए चलते हैं। सो वी आर ऑन द वे टू हल्द्वानी, ठीक है। सो नाउ वी हैव रीच द हल्द्वानी। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, मार्केट है यहाँ पे और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह का टाउन है उत्तराखंड के लिए। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं फतेहपुर और एक्चुअली इसके आगे हम जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो पीछे से हम देख पा रहे हैं ये आपका जाएगा थोड़ा सा आगे हल्द्वानी। इसके आगे से हम जो भी हम आगे वाला वे पकड़ेंगे एंड दैट इज़ द वे टू द चर्च एंड वो बहुत एक विल्डरनेस में है एंड दैट इज़ वेरी ओल्ड चर्च एंड अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप आप देखेंगे तो 1935 में वो बना था, ठीक है। तो अब हम वहीं जाने वाले हैं एंड आपको मैं बहुत ही अच्छी सी लोकेशन दिखाने वाला हूँ एंड इट्स वेरी कूल एंड आई होप यू विल लाइक इट। फाइनली वी आर ऑन द ट्रैक। यहाँ से हमें जाना है बाना विलेज जहाँ पे चर्च लोकेटेड है। उससे पहले एक छोटा सा गांव और आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो ट्रैक है ये आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा और कोई मीन्स नहीं है यहाँ जाने का। और आप आसपास देखिए बहुत ही घना जंगल है एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। यू विल रियली लव दिस प्लेस व्हेन यू कम एंड आई रियली पर्सनली लाइक दिस प्लेस, ठीक है। यहाँ बहुत ही घना जंगल है। सो इट्स बीन 15 मिनट्स एंड वी आर ट्रैकिंग। एक्चुअली मेरे पीछे दो तीन फ्रेंड्स हैं, पीछे आ रहे हैं, शायद आप पीछे देख पा रहे होंगे उनको। एक्चुअली नॉट फ्रेंड्स, वो जो ऊपर गांव में हमारे कुछ रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स हैं तो वो मुझे रिसीव करने आए थे नीचे। तो यहाँ पे कुछ भी अगर लोगों को चाहिए होता है गांव में तो दे हैव टू कम अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 kilometers down and then we have to take the things, all those things which we needed. So ये देखते हैं बीच बीच में ऐसे थोड़ी बहुत आपको नाले दिखेंगे। ये झरने का पानी है एक्चुअली, ये देख सकते हैं, सॉरी ये देख रहे हैं, ये बहुत क्लियर वाटर है, ठीक है, इट्स अ फ्रेश वाटर। और ड्यूरिंग ट्रैक आपको यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस देखने को मिल रही हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रैक है और यही ऐसा ही ट्रैक आपको ये चर्च तक ले जाएगा। दो देखने में बहुत आपको इजी लग रहा होगा लेकिन ये धीरे धीरे इसकी जो चढ़ाई है बहुत ख़तरनाक हो जाएगी, ठीक है, आगे चल के। एंड यू कैन सी द जस्ट व्यू दिस द यू कैन से कह सकते हैं आप जो कितना डिवाइन एक जगह है, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ये ट्रैक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। And this is so after trekking 2 to 3 kilometers we have reached one village Mona. Actually इसके बाद हमें एक गांव जाना है that is बाना, ठीक है। बाना में हम यहाँ स्टे करने वाले हैं फिलहाल। ये उससे नीचे एक गांव है, इसे बोलते हैं मोना, ठीक है, ये मोना गांव है, इसके ऊपर आएगा बाना। तो ये गांव देख सकते हैं आप, बहुत छोटा सा गांव है एक एंड वन हैज़ टू ट्रैक टू कम टू दिस विलेज। बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज, देखते हैं गाने भी चल रहे हैं पहाड़ी। सो गाइस वी हैव लेफ्ट द विलेज मोना एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बाना विलेज क्योंकि हमें वहीं जाना है, वहीं स्टे करना है और हमारा जो चर्च है वहीं लोकेटेड है। एंड दिस इज अ स्टैचू ऑफ मदर मेरी एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि यहाँ पे जो स्टैचू है ये भी काफ़ी पुराना है और यहाँ पे लोग आके प्रे करते हैं। और मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी, इट इज़ अ मिरेकल, आप जो भी बोलिए, जहाँ से मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया था वो प्लेस है बसानी और अभी तब से लेके जो नेटवर्क है मोबाइल के मेरे यहीं पे आए हैं, ठीक है। और लोग कहते हैं कि यहाँ नेटवर्क आते हैं और फिर सीधा चर्च में आते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी बहुत मुश्किल जो है नेटवर्क देखने को मिलता है। हाँ अंकल थोड़ी देर आ जाओ। और अंकल बताओ फिर गांव में क्या क्या मतलब बदलाव आया, क्या क्या सब बदलाव आप घर चल के बताएंगे क्या बदलाव आया है। आप कहाँ हम कहाँ, आप फर्स्ट टाइम आप यहाँ आ रहे हो। अच्छा सब हो रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ बात को आपकी, ठीक है ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं मेरे संग, चल लो चलो चलो, मेरे घर भी देखोगे बाहर भी देखोगे, चलो चलो हैं, चलो बढ़िया।
सो गाइस आफ्टर वॉकिंग 2 आवर्स ठीक है हम पहुंच गए हैं बाना विलेज। ठीक है आप देख सकते हैं पिक्स में इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब थोड़ी देर में हम चर्च होके चर्च जाएंगे, यहाँ का चर्च विजिट करेंगे। ठीक है तो आपको मैं गांव के थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। तो यही जो वो चर्च है जो आप देख रहे हैं सामने, मैंने थोड़ी पिक थोड़ी दूर से क्लिक की है, मैं आगे आपको और इसकी वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। सो दिस इज़ द चर्च सेंट माइकल्स चर्च एंड इट्स वेरी वेरी यू कैन से ओल्ड चर्च 1935 में। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। So guys, this is the church and the name of the church is St. Michael's Church which was built in 1935 by the Britishers। और ये आप देख सकते हैं कितना beautiful place है। और ये जो church है ये सबसे ऊँची जगह गाँव में बनाया गया है ताकि यहाँ पे सब लोग easily इकट्ठे हो जाएं और देख सकें। जब भी prayers का time होता है वहाँ से एक bell है, वहाँ bell बजा दी जाती है और पूरे गाँव में यहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूँगा गाँव का। ये देखिए अभी सनसेट का टाइम है, बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल है। तो गाइस ये है चर्च की अंदर की तस्वीरें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बेहद खूबसूरत। और एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ जब मैं यहाँ पे गया, मैंने प्रे की और मन कर रहा था कि मैं पूरी रात ही वहाँ बैठा रहूँ। और जो आप स्टैचू देख पा रहे हैं आगे, ये स्टैचू है सेंट माइकल का, जिनके नेम पे चर्च का नेम है बेसिकली। ठीक है एंड ये क्रिब है, ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ क्रिब, ये क्रिसमस के ओकेजन्स पे बनाई जाती है। और ये जो वे देख रहे हैं ये चर्च के बिल्कुल पीछे से निकलता है और आप मानेंगे नहीं, ये एक तरह का बड़ा एक ऐसा वे है जो आपको नैनीताल ले जाएगा। सो बहुत कम लोग जानते हैं एंड यहाँ से भी मैं चर्च के पीछे भी मैं 4-5 किलोमीटर ट्रैक करने गया था और वहाँ से मैंने गांव की ये कुछ तस्वीरें ली हैं। और जैसे कि आप रास्ता देख पा रहे हैं ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा घनी झाड़ियों द्वारा बंद हो जाता है। और ये कुछ तस्वीरें जो मैंने वहाँ पर ली थी जितना आगे मैं जा सका था। इट इज़ वेरी डिवाइन, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। So hope you like this video. Thank you so much. God bless you.